हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे आमला एकादशी की कथा। जी हाँ, एकादशी का व्रत तो आप रखते ही होंगे, तो साथ में कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से आधा ही लाभ मिलता है। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आमला की जो एकादशी है, इस दिन श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है। व्रत के साथ साथ इस दिन कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार वैदिश नाम का नगर था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद के साथ रहते थे, सब मिलजुल के रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि ही गूंजा करती थी, और जो पापी, दुराचारी और नास्तिक थे, उस नगर में ऐसा कोई भी नहीं था। मतलब कोई भी उस नगर में दुराचारी, पापी, नास्तिक नहीं था, सब भगवान को मानते थे और पूजा करते थे। उस नगर में चैतर्थ नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वो बहुत ही विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र और कंजूस भी नहीं था। सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे, और आबाल, वृद्ध, स्त्री, पुरुष सभी एकादशी का व्रत किया करते थे। एक बार फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमला की एकादशी आई, और उस दिन राजा, प्रजा और बच्चे, वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर उन्होंने पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से आंवले का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। इसके बाद सबने उस मंदिर में रात्रि में जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेलिया आया, जो बहुत ही पापी और दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन पोषण जीव हत्या करके ही किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया, और भगवान विष्णु तथा एकादशी का जो महात्म्य है, उस एकादशी महात्म्य की कथा वो भी सुनने लगा। और इस प्रकार अन्य मनुष्यों की भांति उसने भी रात्रि भर, सारी रात मतलब, जाकर बिता दी। सुबह होते ही सब लोग अपने घर चले गए, तो बहेलिया भी अपने घर चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के बाद उस बहेलिए की मृत्यु हो गई, मगर उस आमला की एकादशी के व्रत और जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया, और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वे चतुरंगिनी सेना सहित और धन धान्य से युक्त होकर 10,000 गाँव का पालन करने लगा। वे बहुत ही धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा के समान, प्रजा का, सबका मतलब, एक साथ भाव से पालन करता था, सबको एक समान दृष्टि से देखता था और दान पुण्य करता था। उसका दान पुण्य करना मतलब उसका एक नित्य कर्तव्य मानता था वो। एक दिन शिकार खेलने के लिए गया, वो जो राजा था, एक दिन शिकार खेलने गया और देव योग से वह मार्ग भूल गया, और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे वो सो गया। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ लोग आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए
राजा की ओर दौड़े। वे कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे अनेक संबंधियों को मारा है और देश से भी निकाल दिया है, तो इनको इसको अवश्य ही मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे उस राजा को मारने दौड़े। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके गए। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता था। अब उन लोगों के अस्त्र शस्त्र उल्टा नहीं, मतलब राजा के ऊपर उन अस्त्र शस्त्रों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन उल्टा उन्हीं के ऊपर प्रहार करने लगे, जिससे कि वो सब मूर्छित होने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वे स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आँखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री उन लोगों को मारने दौड़ी जो राजा को मार रहे थे, और थोड़ी ही देर में उसने सबको काल का ग्रास बना दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने उन लोगों को मरा हुआ देखा और कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन हितेशी रहता है? ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त तेरी कौन सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो दोस्तों, जिस तरह विष्णु भगवान जी ने उस राजा की मदद की, इसी तरह भगवान अपने भक्तों की रक्षा जरूर करते हैं। तो एकादशी का व्रत रखते हुए ये कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, आगे बढ़ा के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।